बड़े बड़े सिटीज में आ जाओ ना तो आपको एंट्री का पता ही नहीं चलता। यहाँ बैड सीन हो गया है मेरे। ये देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स में इस तरीके से पूरी लैंडस्केपिंग करते हैं। Guys, now we are leaving अपनी फ्रेंड की तरफ एंड वहाँ पहुँच के मैं बात करती हूँ। वो जा रही हैं वापस, एक छोटा सा फेयरवेल रखा है उनके लिए। सो या इसी तरीके से दोस्तों से मुलाकात होती है एंड नाउ एलर्जी इज गेटिंग वर्स्ट। बड़ी मुश्किलों से मैं निकली हूँ, दो आई कांट कीप दीज थिंग्स अराउंड माई नेक एंड माई हेड। बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल है, पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है या क्या मसला है। बस आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब हम लोग जा रहे हैं, हमने तो ट्रैम से जाना था, क्या कहते हैं मेट्रो बस से, लेकिन यार इतनी ज़्यादा देर हो गई है तो अब हम लेते हैं टैक्सी, वहाँ पहुँचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। एक अच्छा दिन गुजरेगा, घर में ही उनके कंपाउंड में ही रखी है ताकि हम वहाँ पहुँचें और बातचीत करें लोगों से। बैड सीन हो गया है मेरे पास, बिल्कुल भी सिग्नल फ़ोन का क्रेडिट नहीं है। मैं वहाँ पहुँच के बोलूँगी कैसे? आपको पता है यहाँ बिल्डिंग्स में घुसने के लिए पहले कांटेक्ट करके उनको बताया जाता है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब कहीं से कोई तुर्कसेल देखूँ मैं और वहाँ से फिर कोई क्रेडिट डलवाऊँ। मैंने तो इतना अर्सा हुआ डलवाया ही नहीं, हमेशा क्रेडिट से ही ट्रांसफ़र कर लेती थी। अब ना इंटरनेट है ना कुछ है, ये इशूज़ आ जाते हैं यार। अरीशा स्टॉप, बेटी मेरी भागी जा रही है। टैक्सी वाला बिल्कुल इतना खुश नहीं लग रहा है। सो यार जा रहे हैं, देखें कितनी देर में पहुंचते हैं। यार मैंने वो एलर्जी की जो दवाई खाई है ना उससे आई एम स्टिल स्लीपी। मेरा सर लग रहा है जैसे अभी भी है, ना कि मैंने फजर के टाइम खाई थी सुबह, मैंने अभी नहीं खाई थी और मैं अपनी नींद लेके भी उठी हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट। सो यार देखें आज कैसा दिन गुजरता है। मेरा दिल कर रहा है मैं अब जब भी मैं यहीं पर ही सो जाऊँ। और मेरी बेटी साहिबा झूलों में घुस गई हैं इसके काम। प्रिटी देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स में इस तरीके से पूरी लैंडस्केपिंग करते हैं विच लुक्स सो प्रिटी। और अभी यहाँ पे जिस जगह से मैं एंट्री हुई हूँ वो तो बड़ा अजीब सा था, लेकिन यहाँ पे भी काम हो रहा है एंड लुक एट दैट ब्यूटीफुल। सी बड़े बड़े सिटीज में आ जाओ ना तो आपको एंट्री का पता ही नहीं चलता। यहाँ मुझे शुक्र है क्लब नानी भाई मिल गया जो मुझे वो सही रास्ते से लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कहीं नीचे जाना है और मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी बनी होती हैं और इनके एंट्रेंस और ये सारी चीज़ें भी बड़ी डिफरेंट होती हैं। और मेरी बेटी का सख्त मूड ख़राब है, इन्होंने झूलों पे जाना था। हम आगे से घूम के आए हैं और यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं जिससे हम उतर के अब इस जगह पर आ गए कि हम इन तक एक्सेस करेंगे। सो इन सिटीज में ना बड़ी भूल भुलाइयाँ होती हैं, बट ओवरऑल गुड। चलो भाई पहुँचते हैं पहले। एक बड़ा ख्याल रखा जाता है लैंडस्केपिंग का ताकि आप लोगों को घर के अंदर भी एक खूबसूरती दिखे, जैसे इन्होंने यहाँ पे की हुई है। मैंने आपको ऊपर से इसका व्यू दिखाया, ये इसका सामने से व्यू है। और अब समर्स आई हैं, बर्फ़ शर्फ और बारिश वगैरह हटी है तो अब दोबारा से ये लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। आसान सा ढूंढना भी बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम है। My friends, house window view, यार ये देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे, so pretty। यहाँ पे जो मस्जिदों के आर्किटेक्चर है मुझे बड़े पसंद है। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक मजे का फैक्ट बताऊं, जो मस्जिदें होती हैं यहाँ मस्जिदें होती हैं उनका हमेशा से होता है कि यहाँ पे कोई सेक्ट नहीं देखा जाता, जैसे हमारे कंट्रीज में होता है कि अहले तशरी की अहले सुन्नत की, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक ही मस्जिद होती है जिसमें हर सेक्ट के आके नमाज पढ़ेंगे, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे मस्जिद ऐसी नहीं होती कि जी सदका जारिया के लिए कोई भी बना दे, कभी ऐसे नहीं होता। यहाँ पे इनकी एक कमेटी बनी हुई है, वो ही हर जगह पूरे टर्की में मस्जिद बनाती है। आप नहीं कि आपने कहीं जाके ज़मीन ली और आप मस्जिद बना दें, ऐसा नहीं होता। यहाँ के कुछ कानून इस तरीके से हैं, बड़े मतलब हर चीज़ को बहुत बैलेंस रखते हैं।
वी आर गोइंग होम, अब हम घर जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय किया। सो यार मेट्रो बस पे बड़े अरसे बाद आए, कोई मेरे ख्याल से 2 महीने बाद हम आ रहे हैं मेट्रो बस पे।